राहुल गांधी लोकसभेत बोलतायत, थेट जाऊयात. छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ. मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती. नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं. नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं. उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा. और बेचारे बैठे हुए थे, तीन बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी. आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी. मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता. अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है. और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो. दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो. एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा. और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो. ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी. मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी. स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश. गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर. गलत नहीं है सर. दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है, तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है. इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए. संसद में अध्यक्ष, ठीक है सर, स्पीकर सर, देखिए स्पीकर सर, देखिए राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है. सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है. अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है. पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय, अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का. ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है. श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है. उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए माननीय. ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है माननीय, यहां सच बोलना चाहिए. और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय. अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है.
और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि दो स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर। और स्पीकर सर, और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझ कर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है। एक मोठी ब्रेकिंग न्यूज येते आहे पंकज।